नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुजुकी एक्सेस 125 सीसी का इंजन जो होता है उसका मैग्नेट और जो है सेल्फ कैसे फिटिंग होती है सेल्फ का वन वे। सबसे पहले ये जो 10 नंबर के नट है मैग्नेट फैन जो लगा रहता है, मैग्नेट के ऊपर फ़ैन होता है उसको हम खोलेंगे, 3 नट 10 नंबर के खोलकर। उसके बाद नीचे एक छोटी सी प्लेट आती है जिसके ऊपर फ़ैन लगा रहता है, उसका नट है 14 नंबर का एक नट है, उसे हम 14 नंबर की टीगोटी की सहायता से उसको खोलेंगे। बाकी का इंजन मैंने ऑलरेडी खोल रखा था इसीलिए कि क्योंकि जो वीडियो है ज़्यादा तो मैकेनिक भाई देखते हैं, कस्टमर तो इतना काम घर पर खुद नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए, ये प्लेट भी मैंने उतार दी है। ये वीडियो सिर्फ मैकेनिक के लिए, मैं मैकेनिक भाइयों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि कस्टमर तो इतना घर पर नहीं कर पाएगा और मैकेनिक को तो समझ आ गई होगी कि कहीं इंजन मैंने पहले से खोलकर नीचे रखा है। और प्लेट को उतारने के बाद 8 नंबर के बोल्ट लगे रहते हैं चैम्बर के, जो होते हैं चैम्बर की चारों ओर बोल्ट लगे रहते हैं 8 नंबर के। ये देखिए 8 नंबर की टीगोटी की सहायता से हम वो बोल्ट धीरे धीरे हम एक एक करके उसको उतार रहे हैं, खोल रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो बोल्ट 8 नंबर के लगे रहते हैं वो हम खोलना शुरू किया हुआ है और तकरीबन खुल चुके हैं। मैकेनिक भाइयों को मैं विनती करूंगा कि ये वीडियो, अगर आपको कोई, आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, अपना सवाल रखिएगा, मैं कोशिश करूँगा हर एक का जवाब देने की। और ये देखिए चैम्बर जो है खुल चुका है हमारा और हम इसको खींच रहे हैं, ये ऐसे इजीली बाहर आ जाता है, इसको कोई ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये कोयल सेट चैम्बर में कसा रहता है, नीचे की जो पैकिंग है जैन जिसे कहते हैं वो भी हमने उतार दिया है। अब मैग्नेट पर जाते हैं। मैग्नेट पर क्या है कि 19 नंबर का नट लगा रहता है, 19 नंबर की नट, 22 नंबर का, सॉरी 22 नंबर का नट लगा है, इसको हम खोलेंगे। इसे हम हल्का सा ऐसे ठोक देंगे तो खुल जाएगा। वैसे कई मैकेनिक भाइयों के पास मैग्नेट को पकड़ने वाला पुलर भी रहता है लेकिन मेरे पास वह पुलर अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको हैमर की मदद से ठोक कर ही खोलूँगा। ये देखिए 22 नंबर का जो नट लगा रहता है वो भी हम खोल चुके हैं, धीरे 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 करके इसको पूरा हम खोल देंगे, आप देखिए। और इसे खोलने के बाद क्या करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए 22 नंबर का जो नट है हमने खोल दिया है, मैग्नेट के साथ हमने वो नट चिपका दिया है ताकि कहीं खो ना जाए। वैसे अगर आप कहीं और भी रख सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। ये देखिए, अब हमको क्या करना है कि ये मैंने हीरो होंडा का मैग्नेट पुलर है जो उसको खोल रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक उसके साइज की क्रैंक के ऊपर जो मैग्नेट पर ठोकने के लिए एक पाइप सा या कोई यूज़ कर सकते हो, कोई भी पाइप ले सकते हो बड़ा मोटे वाला, लेकिन मैं मैग्नेट पुलर को उतार कर हीरो होंडा का जो है उसकी मदद से मैग्नेट को मैं निकालूंगा। जी देखिए, हल्का सा ठोकना है इसे, कोई बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। जैसे बाइक की तो बात करें तो बाइक का मैग्नेट बहुत मुश्किल से बाहर आता है। ये देखिए, उसको हल्का सा ठोकना था मैग्नेट को और बाहर आ गया। तो वन वे भी मैंने निकाल लिया, जो सेल्फ का वन वे है पहले मैंने वो निकाल लिया, हल्का सा ठोकने पर मैग्नेट बाहर आ गया, अब मेरे हाथ में है। तो ये देखिए, सेल्फ की जो फ्राइवर होता है, गरारी होती है बड़े वाली, उसको मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैग्नेट का जो बड़े वाली गरारी होती है उसमें 3 गोलियां रहती है, 3 फिंगर्स होती हैं सेल्फ वाली जो मैग्नेट के अंदर रहती हैं। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। तीन गोलियां जो है वो रहती हैं मैग्नेट के अंदर, जैसे सब बाइक के होते हैं, किसी के 4 होती है, किसी की 5। और सुजुकी असेस 125 सीसी जो है उसके मैग्नेट में 3 गोलियां रहती है सेल्फ, जो कि सेल्फ को इंजन को स्टार्ट करने में मदद करती हैं। वो गोलियां मैं फिट कर रहा हूँ, फिटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 2 गोलियां मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखी हैं और एक जो गोली है आपको बताने के लिए मैं दोबारा से निकाल कर फिट कर रहा हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं, यह है मैग्नेट एक्सेस 125 सीसी का। तो इसमें क्या है कि जो सेल्फ की गोलियां रहती हैं वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे
करना है। मैकेनिक भाई, मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कस्टमर के लिए तो ये वीडियो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला, लेकिन मैकेनिक भाइयों के लिए बहुत ये वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि कुछ लोगों को रहता है कि एक्सएस 125 का मैग्नेट कैसे खुलेगा या कैसे फिटिंग होगी और सेल्फ का वन वे कैसे फिट होगा। मैकेनिक भाइयों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। ये देखिए, हमने जो फिंगर्स हैं सेल्फ वाले वो मैग्नेट में फिट कर कर और ऊपर की बड़े वाली गरारी जो है डाल दी है और वापस हम लगाएंगे। और एक और भी ख्याल रखना होता है कि इसमें जो मैग्नेट की कॉटर लगी रहती है, पिन बोलते हैं कुछ भाई उसको, और कॉटर में वो ऐसे ही मैग्नेट डलेगा जैसे हमने निकाला था। जैसे सब बाइक की फिटिंग आती है वैसे ही सेम इसका भी करना है। कॉटर में डालकर मैग्नेट को ऐसे थोड़ा फिट कर देना है, लगा देता है, ऐसे लगा दिया है हमने, ऐसे लगा देते हैं। और वन वे जो है, ये देखिए आप अच्छे से इसको समझना है। मैं मतलब इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, और आपको जो है इसको अच्छे से समझना है। बड़े वाला ही जो है वो बाहर की तरफ करनी है, और ये पिन एक डालती है वन वे में, एक पिन डालती है। बड़े वाला गरारी जो है बाहर को, एक बाहर की तरफ, और जो छोटे वाली थी मैंने अंदर की तरफ की है। आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए जो, और जब हम मैग्नेट को गिरेंगे, देखो आप देख रहे हैं ऊपर का जो जर्नल है वो भी काम करने लग गया। हेड को मैं गेट कर इसको घुमा कर दिखा रहा हूँ। जो देखिए, वापस मैंने वो 22 नंबर का जो नट खोला था, टाइट करने जा रहा हूँ। टाइट मैं कर रहा हूँ, मैं पहले भी बताया कि मेरे पास जो इसको पकड़ने वाला अभी पुलर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको हाथ से ही पकड़ूंगा। और उसके बाद टाइट करने के बाद क्या है कि मैं 22 नंबर की जो की है चाबी के साथ, इसको हैमर की सहायता से, हैमर की हेल्प से, मतलब कि हथौड़ी से इसको टाइट करूंगा। जैसे मैंने ठोक कर खोला था वैसे ही ठोक कर मैं इसको टाइट भी कर दूंगा। देखिए आप, मैग्नेट फिटिंग जो है हो चुकी है, और जो 22 नंबर का बोल्ट है, सॉरी नट है, वो भी मैं टाइट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, 22 नंबर की चाबी से मैं वैसे ही वापस ठोक रहा हूँ, इसको थोड़ा प्रेशर से कर दे रहा हूँ, मैं टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पकड़ने वाला पुलर नहीं है। एक हाथ मैंने मैग्नेट पर रखा और दूसरा हाथ जो है चाबी पर रखा है, 22 नंबर की जो की है, और ऊपर से मैं हैमर की मदद से इसको ठोक रहा हूँ, ठोक ठोक के इसको टाइट कर देना है। और बहुत ज़्यादा भी टाइट करने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि मैग्नेट कभी भी अपने आप नहीं खुलता है। अगर मैग्नेट वाली काटर जो पिन रहती है उसके बीच में, अगर वो कहीं टूट जाए तो शायद मैग्नेट खुलने का डर रहता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए, वन वे भी मैंने फिट कर दिया है और मैग्नेट भी मैंने बिल्कुल फिट कर दिया अच्छे से। इसको खोलने के लिए अगर आपके पास कोई पुलर नहीं है मैग्नेट का, तो कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप किसी पाइप की सहायता से, या फिर किसी, जैसे मैंने मैग्नेट का जो है पुलर उतार लिया था, उसकी मदद से भी आप इसको जो है पुल कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं मैग्नेट को थोड़ा सा ठोक कर। और वापस मैंने जो डबल डाल, चैम्बर में डबल लगी रहती है हर बाइक की, ऐसे इसके में चैम्बर में भी डबल होती हैं, डबल्स लगाकर मैंने वापस वो है पैकिंग जो है उसमें दे दी है, जैन जो जिसे बोलते हैं मैकेनिक भाई, जैन लगा दिया है। और मेरा तरीका जो रहता है कि मैं जैन में एना बोन्स वगैरह या कोई भी ऐसी ट्यूब कम यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसमें एना बोन लगानी हो तो आप लगा भी सकते हो। इसमें अगर आप एना बोन की मदद लेना चाहो, या थ्री बोन कोई भी आप यूज़ करते हो उसे लगा सकते हो, बट मैं इसमें अभी फ़िलहाल जो है कोई भी ऐसी ट्यूब नहीं लगा रहा जैन को जोड़ने के लिए, पैकिंग को जोड़ने के लिए। खाली ऐसे मैंने डबल में जैन बिल्कुल सूखा ही रखा था, और ऊपर से मैं चैम्बर जो है वापस लगा रहा हूँ। हल्का सा इसे ठोकना है, ज़्यादा नहीं ठोकना, क्योंकि नाजुक होता है, एल्युमिनियम का होता है, तो कहीं क्रैक ना हो जाए इसका डर रहता है, इसलिए हल्का सा इसको ठोक देना है। तो ठोकने के बाद आप देखेंगे कि ये फिट हो चुका है। और ठोकने के बाद वापस जो
आठ नंबर के वोल्ट मैंने इसके चारों ओर से चैम्बर के निकाले थे, उसको आठ नंबर की टी गोटी जो होती है उसकी सहायता से टी की मैं वापस उसको टाइट करूँगा। जी देखिए पूरे के पूरे वोल्ट जो है मैं लगा दूँगा और आठ नंबर की टी गोटी की सहायता से इसे मैं टाइट कर दूँगा। देखिए आप आठ नंबर के वोल्ट लग रहे हैं अभी। ये मैकेनिक, मेरे ख्याल से मैकेनिक भाइयों के लिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है मैकेनिक भाइयों के लिए बहुत ही शायद अच्छी होगी मैं समझता हूँ, और जो कस्टमर के लिए शायद कुछ खास नहीं होगी, या फिर जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। वापस मैं लगा रहा हूँ आठ नंबर के जो वोल्ट है, और मैं आप सब दोस्तों को एक विनती करता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है सिंहदीप राम गढ़िया के नाम को, उसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर कर उसको जो बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ डालता रहता हूँ कि जो मैकेनिक भाइयों के लिए काफ़ी काम आने वाली होती है। सो मेरी सब मैकेनिक भाइयों को जहाँ और भी जो देख रहे हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जो उसका है आ सके। ये देखिए आठ नंबर के वोल्ट टाइट करने के बाद फुल हम क्या कर रहे हैं कि जो वो हमने निकाला था गोल चक्कर प्लेट्स जिसके ऊपर मैग्नेट का जो है फैन लगा रहता है उसको हम टाइट कर रहे हैं, उसको हम ठोक देंगे और उसके ऊपर जो है वॉशर लगाएंगे। प्लेट लगाने के बाद उसके ऊपर वॉशर देकर हम जो 14 नंबर का वोल्ट होता है, सॉरी नट, जो हमने 14 नंबर का नट वहाँ से खोला था ना, और उसी पोजीशन में हम बिल्कुल उसको वापस टाइट करेंगे, उसको लगा रहे हैं। ये देखो 14 नंबर की टी गोटी की मदद से हम उसको वापस टाइट कर रहे हैं, घूम रहा है थोड़ा सा अंदर से, तो इसे पकड़ लेना है, या फिर आप कोई इसमें स्टॉपर जो होता है लगा सकते हो अगर आपके पास कोई कूलर हो तो। ये देखिए मेरे पास ऐसे कूलर बना है, ये कूलर मेरे पास अभी अवेलेबल है, और अगर इसको मैं यहाँ लगा लूँगा तो क्या है कि ये घूमेगा नहीं। ये देखिए हमने प्लेट में ये कूलर फिट कर दिया, और अब हम आराम से जो 14 नंबर का नट है उसे टाइट कर सकते हैं जितना चाहें, और बहुत ज़्यादा भी ज़ोर नहीं लगाना है। मेरे ख्याल से टी गोटी की मदद से जितना भी हम उसको ज़ोर लगा सकते हैं उतना ही बहुत है, बड़ी वाली गोटी से हमको शायद टाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि स्लिप भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं 14-15 का पाना जो है यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पाने की मदद से मैंने टाइट कर दिया। वापस मैं जो है फ़ैन इसका निकाला था 10 नंबर के वोल्ट खोल कर वापस उसी पोजिशन में लगा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ये जिसका जो फ़ैन है वो भी एक जगह डलेगा एक जगह नहीं डलेगा, क्योंकि जो उसके तीन छेद रहते हैं वो ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी डाल दो वो बराबर आ जाएंगे, उसके छेद जो है बराबर नहीं आएंगे। हमको घुमा घुमा कर इसको डाल डाल कर देखना होता है, अगर छेद बिल्कुल सीधे हों तो ठीक है। जी देखिए मेरे छेद बिल्कुल सीधे थे, मैंने 10 नंबर के जो वोल्ट तीन निकाले थे वो वापस मैं उसी पोजीशन में 10 नंबर की टी गोटी की मदद से उसे मैं टाइट करूँगा। आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का वोल्ट मैंने लगा दिया है, अब 10 नंबर की टी गोटी की मदद से मैं इनको टाइट कर रहा हूँ, और ये हो गया हमारा मैग्नेट और फैन फिट। इसके आगे तो मैकेनिक भाइयों को पता ही है। थैंक यू सो मच।